झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कोल्हान दौरा खत्म हो गया है, जहां उन्होंने 14 विधानसभा में ताबड़तोड़ दौरा किया, जिसके बाद कोल्हान की जनता का व्यापक समर्थन उन्हें मिला है। चंपाई सोरेन इस समर्थन के बाद जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमशेदपुर डिमना मोड़ से बहरागोरा विधानसभा में 5वां अध्याय का समाप्त। इसके बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारा जो भी कदम होता है वो ठोस उठाते हैं और सही उठाते हैं, जो काम सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कोलकाता के लिए इस दौरे के बाद रवाना हो गए। कोलकाता से अब दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे। आज का 5वां अध्याय डिमना मोड़ से हमारा शुरुआत हुआ, जमशेदपुर डिमना मोड़ से के जगह हमको स्वागत हुआ, मोटरसाइकिल जुलूस हुआ, देवबंगोड़ में और ज़्यादा पैमाने पर हो गया, फिर चकुलिया जैसे इन किया, वहाँ 1,500-2,000 मोटरसाइकिल। इसीलिए आज जो ये हमारा एक एक चैप्टर खुलते जा रहा, बहुत जल्दी आप लोगों को खुलासा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने कहा कि कोल्हान के टाइगर नहीं, झारखंड के टाइगर इन्हें कहिए। बिहार के कम समय से ही आंदोलन के परिवार को छोड़ झारखंड के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए आज उनके पीछे कोल्हान समेत पूरे झारखंड की जनता है। कोल्हान टाइगर नहीं, जो मैं पहले बोला जीटी, एक तो जीटी का नारा लगता था, जब टिस्को में 30,000 लोग हर ईयर में 5,000 करके हर उसका दरवाजा में आपका मजदूर द्वारा वहां पर बांध किया गया था और तब जाके माना, उस समय जेटी माने झारखंड टाइगर का नाम दिया। कोल्हान कहीं पर नहीं था, पहले बिहार था, झारखंड टाइगर उसी के साथ में आपका झारखंड राज अलग के लिए उलगालन शुरू यहां पर आपका अभी कोल्हान का धरती से ही आपका शुरू हुआ, छोटनागपुर हम लोग बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए यदि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ में यदि बागडोर मिलेगा, वो जगह पहुंचाएगा जनता, निश्चित तौर पर विकास का गंगा बहाएगा। तो निश्चित तौर पर जहां पिताजी का आदेश रहेगा वही, और मैं छोटा से मैं राजनीतिक जीवन में सेवा भावना से, हम लोग का पिताजी का भी सेवा भावना ही रहा है और मेरा भी सेवा भावना रहेगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जितना भी समाज है वो हम लोग के साथ है, और हम लोग जब वो जगह पहुंचेंगे जरूर हम लोग उसका उद्धार करेंगे। फिलहाल चंपाई सोरेन के अगले निर्णय का इंतजार हो रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बजने में चंद दिन ही बाकी है, लिहाजा कई दल भी चंपाई सोरेन के अगले स्टैंड को लेकर वेट एंड वॉच के हाल में हैं। जमशेदपुर से संवाददाता प्रभंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।